मोमेंट वाला था, मतलब ऐसे जा करते हुए फिर ऐसे चलते हुए का कैमरा एंगल था, जिसमें अपने को ये जो पिलर है वो देखने को मिलते हैं ऐसे। तो आप यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है उसको मैच करवा के देख सकते हो। इसी जगह के ऊपर जो माधुरी मैम है वो लेट के डांस करती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रजत एंड यू आर वाचिंग ट्रेवल्स इंडिया। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग खलनायक मूवी की शूटिंग लोकेशन को एक्सप्लोर करेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हो मैं हूँ अभी जयपुर के अंदर कनक घाटी, कनक बाग करके एक जगह है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हो, वहाँ पर सामने कनक बाग है और यहाँ पर श्री माधव जी का मंदिर है और वहाँ पर इसके साइड में वहाँ पर नटवर जी का मंदिर है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो जो सॉन्ग है वो कहाँ कहाँ पर शूट हुआ था। हालांकि इन तीनों लोकेशन के ऊपर शूट हुआ था, तो सबसे पहले अपन इस माधव जी का जो मंदिर है इसके अंदर जाते हैं और मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पर कौन कौन से जो सीन है वो शूट करे गए थे। तो दोस्तों ये है माधव जी का मंदिर, तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। उसके बाद वहाँ पर जो कनक बाग है उसके अंदर भी चलेंगे और फिर जो नटवर जी का मंदिर है उसके अंदर भी चलेंगे। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ माताजी के मंदिर के ऊपर, आप यहाँ पर देख सकते हो ये माताजी का मंदिर है और यहाँ पर ये कुछ तो बना हुआ है और यहाँ पर ये जो सामने है वो है कनक बाग और वहाँ पर वो नटवर जी का मंदिर। तो वहाँ पर भी खलनायक मूवी का जो सॉन्ग है आजा सजन आजा उसके कुछ जो सीन है वो शूट हुए हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ का देख लेते हैं। तो उस मूवी के कुछ जो सीन हैं वो इस वाली जगह के ऊपर शूट हुए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक जो सीन है वो कुछ ऐसे लिया गया था, जिसमें आपको ये वाला गुम्बद देखने को मिलता है और ये वाले जो खम्भे हैं वो देखने को मिलते हैं। पीछे की जो पहाड़ की जो डिज़ाइन है आप उसको भी मैच करवा के देख सकते हो और साथ में जो जालियाँ हैं आप उसको भी मैच करवा के देख सकते हो। फिर जो एक जो कैमरा एंगल था वो थोड़ा मूवमेंट वाला था, मतलब ऐसे जा करते हुए फिर ऐसे चलते हुए का कैमरा एंगल था, जिसमें अपने को ये जो पिलर है वो देखने को मिलते हैं ऐसे ऐसे करके जो सीन है वो शूट करा गया था। और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, पीछे पहाड़ है कितना ही खूबसूरत है। और फिर कुछ जो सीन हैं वो यहाँ आगे इस वाले गुम्बद के अंदर भी शूट करे गए थे। तो आप ये वाला गुम्बद देख लीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले गुम्बद के अंदर जो है वहाँ पर जो माधुरी मैम है वो डांस करती है। आप पीछे की जो पहाड़ है उसकी डिज़ाइन के साथ मैच करवा के देख सकते हो। और फिर एक जो सीन है वो कुछ ऐसे लिया गया था, तो आप यहाँ पर ये जो डिज़ाइन है उसको मैच करवा के देख सकते हो। इसी जगह के ऊपर जो माधुरी मैम है वो लेट के डांस करती है और फिर एक उनका खुद का क्लोजअप शॉट दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ फर्श दिखता है, वो वाला जो फर्श है वो भी ये रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर पीछे के पहाड़ भी बहुत ही खूबसूरत है और ये जो मंदिर है वो कुछ ऐसा है और ये इधर से कुछ ऐसा दिखता है। और बताना चाहूँगा यहाँ पर सामने ये कनक बाग है जिसके अंदर भी जो बहुत सारे मूवीज़ के जो शूटिंग है हुई है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं वो वाले वीडियोस तो देख लीजिएगा, या उसकी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी गार्डन के अंदर जो फूल मांगू ना बाहर मांगू ना वो वाला गाना शूट हुआ है, कोयल सी तेरी बोली वो वाला जो गाना है वो भी इसी कनक बाग के अंदर शूट हुआ है। तो चलिए अभी अपन चलते हैं वो सामने वाली जगह के ऊपर जहाँ पर जो खलनायक मूवी का जो गाना है आजा सजन आजा उसके कुछ जो सीन है वो भी शूट हुए हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखा रहता हूँ, उसके बाद में आपको आगे से बताऊँगा। तो आप ये वाला गुम्बद देख सकते हैं। फिर कुछ जो सीन है ये जो सामने वाला आप गुम्बद देख सकते हो, इस गुम्बद के अंदर ये वाला जो सीन है वो शूट करा गया था और उसके पीछे जो सीढ़ियाँ हैं उनके ऊपर भी कुछ जो सीन है वो शूट करे गए थे। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पर। तो यहाँ से अपन करते हैं एग्जिट।
तो दोस्तों अभी मैंने जो आपको सीन दिखाए वो इस वाले मंदिर के थे, तो चलिए अभी अपन चलते हैं इधर की साइड। ये वाला आप देख लीजिए, सामने वाला यहाँ पर कनक बाग है और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पर नटवर जी का मंदिर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये नटवर जी का मंदिर। इस मंदिर के अंदर भी जो है वो शूटिंग हुई है। तो यहाँ पर आप ये वाली गुम्बद देख सकते हो, इसके अंदर जाना तो अलाउ नहीं है, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। इस वाली गुम्बद के अंदर यहाँ पर ये वाला जो सीन अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये वाला जो सीन है वो शूट करा गया था। तो आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख लीजिए। और बैकग्राउंड में जो है आपको सीढ़ियाँ दिखती है एक सीन के अंदर। तो अभी आप सोचोगे कि आप इतना श्योरली कैसे बोल सकते हो कि यही वो गुम्बद है। तो आपने एक सीन के अंदर देखा होगा कि जो जैकी शराफ सर रहते हैं उनके पीछे आपको सीढ़ियाँ देखने को मिलती है, तो वो वाली जो सीढ़ियाँ है वो यहाँ से ऐसे दिखेगी। हालांकि ऊपर तो मैं हूँ नहीं, तो अगर मैं ऊपर होता तो आपको डायरेक्टली ऊपर से ही दिखा रहता। लेकिन अगर वो लोग इस गुम्बद के अंदर रहेंगे तो बैकग्राउंड में आप यहाँ पर देख सकते हो आपको ये वाली जो सीढ़ियाँ हैं वो देखने को मिलती हैं। आप यहाँ पर ये वाली सीढ़ियाँ देख लीजिए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सामने से भी दिखा रहता हूँ। तो आप यहाँ से ये वाली सीढ़ियाँ देख लीजिए, ये वाली जो सीढ़ियाँ है वो आपको देखने को मिलती है और ये वाली वो गुम्बद होती है जिसके अंदर वो जो सीन है वो शूट करा गया था। और फिर और भी जो सीन है वो इन सीढ़ियों के ऊपर शूट करे गए थे, तो चलिए अभी मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फिर कुछ जो सीन है वो यहाँ पर लिए गए थे कुछ ऐसे, जिसमें जो कैमरा था वो ऐसे नीचे से ऐसे ऊपर जाता हुआ एक कैमरा एंगल था। हालांकि मेरी हाइट इतनी है तो इससे ऊपर कैमरा नहीं जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपको ये जो राइट साइड में जो गुम्बद है वो देखने को मिलता है, और यहाँ पर आप सीढ़ियाँ है उनको भी मैच करवा के देख सकते हो। इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर जो बहुत सारी लेडीज़ हैं वो डांस करती हैं। तो आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख लीजिए। और एक साइड में आपको ये आप ये डिज़ाइन देख सकते हो जालियों की, ये भी आपको कॉमन देखने को मिलती है स्क्रीनशॉट के अंदर। तो आप यहाँ पर सीन टू सीन मैच करके देख सकते हो। और ये कुछ ऐसा है, ये नटवर जी का मंदिर है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।